प्लास्टिक केज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम सदफ है और ये इश्माइल है। एंड टुडे आज हम कौन सी बुक पढ़े? आज हम पढ़े आमना की सालगिरह। ये देखें, आमना की सालगिरह बहुत अच्छी बुक है। ये आप भी लें जरूर। ये englishforkids.com से आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छी बुक है, हम लोगों ने पढ़ी है, आप लोग भी पढ़े। अभी हम दोबारा आपके पढ़ के सुनाते हैं। इश्माइल को बहुत पसंद आती है इस तरह की इंग्लिश फॉर किड्स की बुक्स। और इसका फायदा ये, अगर आपको उर्दू पढ़नी नहीं भी आती ना, इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक और रीड उर्दू, यू कैन स्टिल रीड द इंग्लिश, द रोमन उर्दू। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओ एंड बिफोर वी गेट स्टार्टेड, व्हाट डू दे हैव टू डू? Bismillahirrahmanirrahim. Yes, Bismillahirrahmanirrahim. That is right. Ishmael is a good boy. But you have to go like and subscribe our video too. Right, Ishmael? Ji ha. All right, let's get started here. Okay, so the book is Amna ki Salgirah. Okay, so Amna's birthday. It's a story about Amna's birthday, okay? So if you look at the picture here on this title page, book mein dekhe, yes, Amna baithi hai, bohut sare gifts ke saath. Aur ye kya hai? Gubare. Bohut sare gubare lage. Aur kis cheez pe baithi hui hai Ishmael? Amna kis cheez pe baithi hui hai? Kursi. Ye kursi to nahi hai, ye kya cheez hai? Mez. Mez hai. Kursi pe nahi baithi hui hai. Aur ye peeche kya hai? Kya kehte hai isko? साइकिल। आपको भूल गया साइकिल? आप समझ जैसे साइकिल को उर्दू में कुछ कहते हैं। साइकिल को उर्दू में भी साइकिल कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, लेट्स गो स्टार्टेड। ओके, लुक एट दिस फर्स्ट पेज हियर। आमना जो है कहाँ बैठी हुई है? बिस्तर पे बैठी हुई है। और खिड़की है ये बाहर, और उसके बेड के साथ नाइट स्टैंड है, और यहाँ पे लैंप है। और ये क्या लगी हुई दीवार पे? ये क्या है, सोच के बताए, ये क्या चीज है? घड़ी। गुड जॉब। और ये क्या है, इसके कमरे में और क्या चीजें हैं? ये क्या चीज है, ये क्या, इसको क्या कहते हैं? किताबें तो है, ये बुक शेल्फ है। और बुक शेल्फ में क्या पड़ा हुआ है? किताबें। गुड जॉब। और ये क्या है, इसकी दराज, दो दराजे हैं फ्रेंड्स। इसकी कमरे में जो बुक शेल्फ है उसमें दराजे भी है, और ये छोटी सी अलमारी सी भी है ना? That's nice, huh? Chale, let's read the story, okay? Amna subah uthi. What does that mean? Morning. She woke up in the morning. Amna subah uthi. Aur kis time pe uthi hai? Dekhen, ghadi pe dekhen kya baj raha? 8. 8 baj rahe hain. Ghadi pe kya baj rahe hain? 8. 8 baj rahe hain. To subah 8 baje Amna uthi. Dekhen, bahar se clouds bhi aaye hain, badal bhi aaye hain, aur khidki pe iske parde lage hain. Theek hai? Kis rang ke parde hain ye? लाल नहीं है ये, गुलाबी। और ये आसमान के रंग को क्या कहते हैं हम लोग? आसमानी। और ये क्या है, आसमान में क्या चीजें हैं? ये वाइट बादल। और बाहर दरख्त भी थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो आमना सुबह उठी, आमना 8 बजे उठी है सुबह, वो बहुत खुश है। What does that mean? बहुत खुश है। That's right, खुश है। आज मेरी सालगिरह है। What does that mean? It's my birthday today. Yeah, it's my birthday today. So she's so happy. Jaldi jaldi subah uthi hai and she says, so happy. Wo bahut khush hai. Aaj meri salgirah hai. Friends, aap hame batayenge aapki salgirah kab hai? Hame zarur batayega, okay? Hamari Facebook pe, Instagram handle pe, We The Masti Kids pe, aap hame zarur bataye. Tell us when is your birthday so we can give you a shout out, okay? And Ishmael, when is your birthday? August 23rd. August 23rd को उर्दू में क्या कहते हैं? 23? 23 अगस्त को है। 23 अगस्त को है। इश्माइल की बर्थडे 23 अगस्त को होती है फ्रेंड्स। अच्छा, तो अगले पेज पे क्या? बिस्तर से उतरी। What does that mean? बिस्तर से उतरी। She got off the bed. There you go. She got out of the bed. So बिस्तर से आमना उतरी है। चादर सही की। What does that mean? Chadar. What is chadar? Got up. Chadar? Chadar is? Bedsheet. Chadar is bedsheet. तो देखिए, आप जब बेड से उठते हैं, जब सुबह उठते हैं आप लोग, फ्रेंड्स आप लोग भी, जब आप अपने बिस्तर से निकलते हैं, when you get out of your bed, do you fix your sheet? Or does mom
fix your sheet. So when you're big boys and girls, आपको खुद से अपनी शीट सही करनी चाहिए, अपना बिस्तर सही करना चाहिए, अपनी चादर सही करनी चाहिए, अपना ब्लैंकेट सही करना चाहिए, कंबल सही करना चाहिए, जो भी चीज़ है आपकी उसको आप फोल्ड करें या ले आउट करें सही से बेड पे, ठीक है? तो जब आप बड़े हो जाते हैं ना तो ये चीज़ें आपको खुद करनी होती है, राइट इश्माइल? इश्माइल अपना पिलो तो सही करता है, अभी ब्लैंकेट नहीं करता ना, कंबल नहीं सही करता अभी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इश्माइल थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना फ्रेंड्स, आप लोग भी बड़े हो जाएंगे तो अपनी मामा की हेल्प करनी है। देखें आमना कितनी अच्छी बच्ची है, उसने बिस्तर से उतर के फर्स्ट काम क्या किया, अपनी चादर सही किया, कितनी अच्छी बच्ची है ना। आज बहुत मजा आएगा, वो कह रही है आज बहुत मजा आएगा, व्हाट डज दैट मीन? Today is very exciting. Yeah, बहुत मजा आएगा, it's going to be so much fun. She's excited about it. और देखिए इसके कमरे में खिलौने भी पड़े हुए हैं, देखिए ज़ाइलोफोन पड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा घोड़ा सा पड़ा है, लट्टू पड़ा हुआ है, लट्टू इज अ टॉप, टॉप इज लट्टू। और ये आगे से देखें इसके कमरे के बेड के आगे क्या पड़ा हुआ है, कालीन, कालीन, कालीन पड़ा हुआ है, कालीन इज अ रग फ्रेंड्स। तो ये अब रेडी हो रही है, और ये देखें, ओ एक चीज और भी, दीवार पे क्या लगी हुई, तस्वीर, तस्वीर, तस्वीरें दो तीन है, 1 2 3 एक दो तीन, तीन तस्वीरें लगी हुई दीवार पे, कितना प्यारा सा कमरा है, ठीक है? अगले पेज पे देखिए क्या कह रहे हैं, किचन में भागी, किचन में भागी, what does that mean? She ran into the kitchen. That's right, she ran into the kitchen. Mama, Baba, what does that mean? Mom, Dad. Yeah, she's calling mom and dad. So she ran down, she ran into the kitchen and said, Mama, Baba, आज मेरी सालगिरह है. What does that mean? It's my birthday today. Yeah, वो excited हो रही है, उसकी आज birthday बहुत खुश है कि आज तो बहुत मजा आने वाला है, मेरी सालगिरह है, उसको लग रहा होगा मामा बाबा उसको presents देंगे, तोहफे देंगे, वहाँ कोई नहीं था, what does that mean? There, no one was there. No one was there. किचन में कोई भी नहीं था, वो सुबह सुबह किचन में क्यों गई, क्योंकि ब्रेकफास्ट करते हैं ना, तो ब्रेकफास्ट बना रही, वो देखने गई होगी कि मामा शायद ब्रेकफास्ट बना रही होंगी, तो मामा भी नहीं थे, बाबा भी नहीं थे किचन में। देखिए किचन में इनकी फ्रिज है, और ये दरवाजा है, और ये चूल्हा भी है, ठीक है, ये इनका ये अच्छा सा किचन, ठीक है? और यहाँ पे क्या पौधे लगे हुए, पौधे, पौधे, और ये गमले में, गमला, गमला इज अ वेस, गमले में या पॉट में, वेस और पॉट, उसमें लगे हुए गमले में पौधे लगे हुए, पौधे, पौधे, पौधे। और बावर्ची खाना क्या है, बावर्ची खाना होता है किचन, 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 किचन में भागी भागी गई और वहां देखा कि कोई भी नहीं था वहां पे। चल नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या हो रहा है, दूसरे कमरे में भागी, दूसरे कमरे में भागी, what does that mean? Second, went in the second room, in the other room, she went in the second room or she went in the other room, mama, baba, what does that mean? She's calling her mom and dad, yeah, what do you think? She's calling, she's looking, right? वो भागी भागी जा रही है। ओ अच्छा, इस कमरे में देखें क्या है, इस कमरे में दो तस्वीरें लगी हुई है दीवार पर, और ये सोफा है, और ये नीचे इसके किस पे खड़ी हुई, कालीन, कालीन इज अ रग, कालीन पे खड़ी, और ये देखें जो टेबल साइड पे पड़ी है, जो है मेज सी पड़ी है, उसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, मेज के ऊपर ये क्या पड़ा हुआ है, गुलदान, 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 गुलदान के अंदर क्या लगे हुए, पौधे, फूल लगे, फूल लगे हुए, ठीक है? और ये क्या है, दरवाजा, दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजे से अंदर आ रही है ना, तो ये देखिए, और ओ यहाँ पे दो वेसेस है, देखिए दो गुलदान है, एक एक नीले रंग का है और एक गुलाबी रंग का गुलदान है, ठीक है? और उसमें क्या लगे हैं, फूल लगे हुए, फूल, किस रंग के है फूल, लाल, नहीं लाल नहीं है, कौन सा रंग है, गुलाबी, गुलाबी, और ये कौन सा रंग है, गुलाबी, गुलाबी रंग के फूल लगे हुए, और इतना प्यारा सा कमरा, और कमरे की दीवार का कौन सा कलर है, कौन सा रंग है दीवार का, नीला, नीला रंग है दीवार का। तो इस कमरे में आइए, दूसरे कमरे में आइए, लुक्स लाइक ये इनका सिटिंग एरिया होगा, जहाँ पे बैठते होंगे ये लोग, ठीक है, लिविंग रूम है, उसमें आई है, तो यहाँ भी कोई नहीं है, इसने मामा बाबा का कोई भी नहीं था, अब क्या किया इसने, आज मेरी सालगिरह है, वहां भी कोई नहीं था, अब ये देख रही है आज तो मेरी सालगिरह, यहाँ पे भी कोई भी नहीं है। चले अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या हो रहा है, आमना उदास हुई, what does that mean? Sad. आमना is sad. मेरी सालगिरह भूल गए, what does that mean? Forgot. They forgot my सालगिरह, they forgot my birthday. फिर से ऊपर गई, then she went up again. ये क्या है, सीढ़ियाँ?
सीढ़ियां इज स्टेयर्स. ओके सीढ़ियों से गई और ये देखिए यहाँ पे दीवार पे दो तस्वीरें लगी हुई हैं, यहाँ पे भी गुलदान है, पौधा लगा हुआ है, नीचे कालीन भी पड़ा हुआ है और इस दीवार का रंग भी नीला है और यहाँ पे लाइट के बल्ब लगे हुए दो ऊपर. नाइस हाउस हाँ, अच्छा है ना आमना का घर, प्यारा सा. तो अब ये वापस आमना ऊपर जा रही है. ठीक है, सालगिरह मुबारक. What does that mean? Happy birthday. अंदर से अंदर ऊपर गई तो उसके मामा बाबा ने उसको क्या किया, सरप्राइज कर दिया. क्या हो रही है, हैरान इज सरप्राइज, शी सरप्राइज. मामा और बाबा खड़े थे. What does that mean? They were standing. Mama and Baba were standing. That's right. नई साइकिल लिए हुए. What does that mean? Bicycle. They got her new bicycle. Yes, साइकिल लिए हुए खड़े थे. ठीक है, तो देखें पूरे बैलून गुब्बारे लगाए हुए हैं, झंडियां लगाई हुई है. देखिए ऊपर ये फ्लैग्स हैं हल्के, जो छोटे छोटे झंडियां लगाई हुई और कितने बहुत सारे तोहफे रखे हुए हैं. ये सालगिरह वाली टोपी, दो टोपियां भी रखी हुई हैं लोगों ने. और इस दीवार का क्या रंग है, हरा नहीं है, ये पीला. और ये इसका कारपेट है या जो भी है, ये क्या कलर है, गुलाबी. तो ये कमरे में आई है और हैरान हो गई है, ये इतनी बहुत सारी चीजें और साइकिल, नई साइकिल. इसमें आपको क्या मिला था सालगिरह पे, जहाज. इस्माइल को जहाज बहुत पसंद है. फ्रेंड्स आपको मुझे आप बताएं कि आपको सालगिरह में क्या पसंद है, आप क्या तोहफा लेना चाहते हैं, आप अपने मामा बाबा को क्या कहते हैं कि हमें कौन सा तोहफा लेके दें. ठीक है, आप हमें जरूर बताएं. ओके मैसेजेस ऑन वी द मस्ती किड्स. ओके ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. आमना बहुत खुश हुई. व्हाट डज दैट मीन, खुद से चला लेता है. और फ्रेंड्स आप भी बताएं कि आप लोग भी चला लेते हैं ना साइकिल, मजा आता है साइकिल चलाने का, बहुत मजा आता है. आई जस्ट नीड टाइनी बिट हेल्प. Just a push. That's right. थोड़ा सा धक्का देना पड़ता है इस्माइल को, and then he can ride. हाँ, आमना बहुत खुश हुई. सबसे गले मिली. What does गले मिली means? Hug. गले मिली. Thank you. आपने मुझे सालगिरह का तोहफा दिया. ये मेरी सबसे अच्छी सालगिरह है. तो आमना क्या कह रही है? ये मेरी सबसे अच्छी सालगिरह. What does that mean? This is my best birthday ever. This is my best birthday ever. सबसे अच्छी सालगिरह, सबसे अच्छी सालगिरह. And that is the end of the story, friends. और अगर आपको read करनी है story, पढ़नी है, तो at the end आपको English में भी इसकी मिल जाएगी translation. आप English में भी पढ़ सकते हैं story, उर्दू में पढ़ सकते हैं, Roman उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, जैसे भी आप पढ़ना चाहें. तो बहुत मज़े की कहानी थी, आप ज़रूर ये किताब लें और हमें बताएं आपको कैसी अच्छी लगी कि नहीं लगी, कि क्या हुआ, आपने मज़ा किया. ठीक है, तो अब हम वीडियो बंद करते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए Allah Hafiz. Okay. 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 Okay